अगर आप माइंड की किसी भी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि हमीरपुर के नदौन चौक के पास कोरिया की मशहूर कंपनी सिराजेम द्वारा स्पाइन थेरेपी के माध्यम से लोगों को जागृति प्रदान की जा रही है। हर दिन विशेष डॉक्टरों के द्वारा स्पाइन थेरेपी व उससे संबंधित जानकारी दी जा रही है, ताकि आप अपनी स्पाइन को स्वस्थ रख सकें। हमीरपुर में गत 2 सालों से चल रहे सेंटर में विशेषज्ञ स्पाइन से संबंधित हर विषय पर लोगों की समस्या को दूर करने में लगे हुए हैं। पेश है एस्टुडे की विशेष रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो मैं अपने सिराजेम के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा नाम गुरदित सिंह है और ये सेंटर हम तीनों भाई पिछले 2 साल से चला रहे हैं हमीरपुर के अंदर। जो मेरा नाम गुरदित सिंह है और ये मेरे बड़े ब्रदर हैं सुरजीत सिंह और छोटे भाई बलजीत सिंह। जो हमारी सिराजेम कंपनी है, ये कंपनी है जी हमारी साउथ कोरिया की, और कंपनी 1998 से हमारी शुरू हुई थी और पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर कंपनी को चलते हुए, जो बात ओवरऑल करें तो कंपनी को चलते हुए कंपनी को 20 साल हो गए हैं जी हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर चलते हुए। और 2005 में कंपनी आई जी हिंदुस्तान के अंदर और 12-13 साल कंपनी को चलते हुए हो गए हैं हिंदुस्तान के अंदर। जो हमारी सिराजेम कंपनी काम कर रही है हिंदुस्तान के अंदर चाहे पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर, हम एक डेमो देते हैं लोगों को यहाँ पे। हमारी जो काम है मेन रीढ़ की हड्डी को सही करना, जो मशीन हम लगाते हैं रीढ़ की हड्डी को द्वारा, क्योंकि जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम है वो सारा रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है और उसी से इस मशीन के द्वारा जो भी बंदा थेरेपी करता है उसे आराम मिलता है, जिसकी वजह करके लोगों को यहाँ पर रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, लोग आना पसंद करते हैं। हमारा काम है लोगों को डेमो देना, इस चीज के बारे में जागृत करना कि एक स्पाइन की इम्पोर्टेंट एक इंसान के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। जी ओवरऑल आप सिराजेम की बात करें तो सिराजेम को ऑल वर्ल्ड के अंदर चलते हुए 20 साल, हिंदुस्तान के अंदर 13 साल। जे आप हिंदुस्तान के अंदर सिराजेम कंपनी की बात करें तो 530 सेंटर हमारे हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं। पंजाब हिमाचल की बात करें तो 50 सेंटर हिमाचल के अंदर और पंजाब के अंदर कुल मिलाकर 50 सेंटर बढ़ गए हैं। और लगातार बढ़ने का कारण कंपनी का के लोगों को फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो सेंटर कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कंपनी कम से कम भी 74 देशों के अंदर हमारी कंपनी आज काम कर रही है और लगातार इसी काम की वजह करके कि हम अपनी चीज का डेमो देते हैं। डेमोस्ट्रेशन एक सेंटर है जहां पर जो लोगों से पैसा नहीं लिया जाता, यहां पर हम लोगों को एक्सपीरियंस करवाते हैं कि एक इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी कितनी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगातार थेरेपी करते हैं जिसको आराम मिलता है, आराम मिलने के बाद अच्छा लगता, फायदा होता है, वो बंदा इस मशीन का अपने घर के लिए परचेज भी करता है। जो बंदा सिराजेम में कोई किसी हालात की वजह करके मशीन नहीं भी परचेज कर पाता, वो सेंटर में आता रहता है, लगातार थेरेपी करता है, उसको ऊपर ये कोई जबरदस्ती नहीं कि भी मशीन आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सिराजेम एक अच्छा काम करके लोगों को जागृत कर रहा है कि इस रीढ़ की हड्डी की सांध संभाल लाइफ टाइम के लिए करनी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी ज्यादा जरूरी है। और जे बात करें हमीरपुर सेंटर की तो रोज लोग आ रहे हैं, कम से कम भी पूरे दिन के अंदर 300-350 लोग थेरेपी कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है तभी लोग आ रहे हैं। ये हमारी सिराजेम कंपनी के व्यू पॉइंट्स हैं और हमारी कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमारा काम एक हेल्थ और एक स्पाइन की केयर करना है। जी बात करें हमीरपुर के अंदर तो कम से कम भी हमारी ये सिराजेम की मशीन है, जो ज्यादा बात करें तो 200-250 से प्लस ही है, मशीनें कम नहीं है। ठीक है ना, इंसान बहुत कुछ सोचता है जी, पर मेरे पास जी यहाँ पर ये स्पाइन मंथ करने का, हमारा लेक्चर करने का, हमारा काम एक उस इंसान की तरह है। जे आप बात करें रात को सोते हैं तो गली में चौकीदार आता है कि नहीं आता? बोलो भाई, आता है कि नहीं आता? आकर क्या बोलता है? भाई जागते रहो जी। सही है गलत है? जोर जोर से बोलता है भाई जागते रहो जी, जागते रहो। क्यों बोलता है जागते रहो? उसका मैसेज है भी एक कि भाई होका देना और मैसेज देकर ये जागृत करना कि भाई जागते रहो। कुछ बंदे तो उसी आवाज को सुन के जाग जाते हैं और उठकर चाय पेशाब करने के बहाने भी बाथरूम में चले जाते हैं और इसी से घर के एक बार गेरा भी मार लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो आता चौकी दर रोज ले, इसका तो रोज रोज का काम है बकवास करना, अपा सोते हैं जी आराम से। पर जो सोता है ना जी, चोरी भी उसी घर पे होती है। अपना काम मेरे मम्मी पासी एक उस इस चौकीदार की तरह अपना काम एक होका देने जी, होका देना।
हमारा मकसद है जी एक होका देना, हमारा मकसद है सिर्फ ये बताना कि आज एक घर में ये नुकसान हो गया, कल दूसरे घर में ये कोई दिक्कत परेशानी ना आए। इसीलिए समझदारी इसी में है कि समा निकल जाने के बाद नहीं समझना। कहते जी पंजाब जी का कहावत है, कहते ठोकर खान तो बाद समझना। तो एक मूर्ख और एक पागल इंसान नु भी आंदा, समझदार इंसान वो है जो ठोकर लगने से पहले संभल कर चल रहा है। बोलो सही है गलत है? जे शायद अज